वास्तव में बड़ा हर कलर की हरे 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 लग रहा आई थी नहीं वास्तव में बड़ा है वो रेड पैरोट है जो ये रेड पैरोट है ये सब आपकी ऑस्कर है नाम कहाँ लिखा हुआ इस पे है एल्मिनो ऑस्कर है यहाँ पे रेड पैरोट है इसका जानकारी भी लिखा हुआ है इस पे पढ़ लीजिए ये प्रजाति हमेशा अकेला रहना पसंद करती है ये बहुत रुकिए बेबी रुकिए हाँ एक मिनट बच्चा वो ऐसे ही रहती है जिंदा है हाँ वो जिंदा है वो गंदा ही खाती है पूरे बाजू गंदगी होता है हाँ अच्छा अच्छा इसलिए इसका शेप भी पूरा अलग है पूरी इसकी अलग है और ये तो उसके जैसी लग रही है और ये वाली नहीं ये ग्रीन टेडेड फिश है इसका पता क्या स्पॉट बहुत खूबसूरत है अरे 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 दुनिया भर की मौसम मछली का मात्र 10 रुपये बेबी अपने फोन पे शॉट लीजिए ना मेरे दूसरे वाले फोन में लीजिए ना ये सुमन सिंह है हाँ। ये समुद्र की है और ये 10 से 12 साल इसका तक रहता है और ये हमेशा झुंड में रहती है ये हमेशा झुंड में शिकार करती है ये आपकी एंगल भी ये एकदम पतली होती है और ये एकदम खूबसूरत लगती है दिखने में ये ना जो एंजल फिश हाँ जो पहले की मूवी होती है उसमें जो शिप होता है ना उसके शेप की है थोड़ी ये एकदम एक जगह रहेगी और एकदम खूबसूरत लगती है इसमें डेंजर फिश नहीं है ये सब नहीं ये सब डेंजर फिश है डेंजर फिश ये कितने पंख वाली है ये लोग का पंख अभी और बड़ा बड़ा होता है ये लोग इतने बड़े बड़े ये इतनी बड़ी होती है ये देखने में बहुत खूबसूरत होती है ये यूरोप में पाई जाती है ये यूरोप की फिश है यूरोप की फिश है और ये जो छोटी छोटी इधर ये ब्लैक गोल्ड फिश है इसकी आइज आपको दिख रही है आइज अरे हाँ इसकी आइज बहुत बड़ी बड़ी रहती है और ये वाली तिरछी ये टेढ़ी क्यों है ये टेढ़ी नहीं है सो रही है अच्छा ये सब बहुत एग्रेसिव होती है बहुत तेज होती है इसकी आइज कैप्चर हो जाए इसमें आपकी तीन तरह की फिश आती है ये है टाइगर ऑस्कर ये वाली okay. ये टाइगर ऑस्कर है ये फायर मॉथ है इंदर में ये टाइगर ऑस्कर ये टाइगर फायर मॉथ है और ये चिकलेट से छोटी छोटी ये छोटी वाली चिकलेट से चिकलेट से ईरान में पाई जाती है और ये फायर मॉथ ये टाइगर ऑस्कर जो है ये 10 से 20 साल तक रहती है इसका साइज इतना बड़ा होता है इस सबका साइज इसका छोटा पेयर में आपको इसमें मिलेगा छोटा में इसमें ये है यहाँ की सबसे स्पेशल मछली सर पे देखिए इसके हाँ उठा हुआ है ये मलेशिया थाईलैंड में पाई जाती है इसका सुबह सुबह दीदार कीजिएगा ना बहुत अच्छा दिन जाएगा इसका हाँ? इसके लिप्स भी बहुत अच्छे हैं देखिए अरे ये थोड़ी इंसान के जैसी नहीं लग रही ऐसा बहुत एग्रेसिव होती है बहुत छिमिली करती है हर जगह ये सब रखिएगा ना तो आपका ध्यान इससे जरूर पड़ेगा मतलब शांत नहीं रहती है शांत नहीं रहती है हमेशा घूमती रहेगी इधर उधर
ये आपस में टकरा रही है, इसे लग रहा है कि इधर मिरर है। भैया कहाँ पे नंबर, कहाँ पे सब लिखा हुआ है, पढ़िए कहाँ से आई है, कहाँ से नहीं आई। बियाना का छोटा फीचर हम लोग को इसका बड़ा नहीं मिल पाया, अगर बड़ा मिलता है नहीं, फ्लाइट से नहीं आया था अपना, हम लोग बस आता है सब, ट्रक से आता है सब। भाई इसकी लाइटनिंग थोड़ी ठीक नहीं है, ये मलेशिया की है। ये किराना का बच्चा है, हम लोग यहां तो पाया नहीं जाता, भारत में पाया जाता है, पाया नहीं जाता हम आया वहां से कैसे, भारत में आपको देखना पाया जाएगा उसे पाया जाएगा। अगली बात पूछ रहे हैं आपसे, भैया हम लोग सिर्फ नहीं मंगवाया है, वहाँ से कुछ और मंगाता है। हमारा ये एक और दुकान है पटना में, ये मछुआ टोली जो है ना, समुद्री एक्वेरियम प्राइवेट लिमिटेड वहाँ पे है, मछुआ टोली में जाइए कीजिए पूछिएगा, मछुआ टोली इस फिश के बारे में बताइए। यही वही है टाइगर ऑस्कर है आपकी, उसके छोटा पेड़ है। ओके उसको भाई हिलाओ ना थोड़ा, भैया उसको नीचे करो ना थोड़ा, उसको नीचे करो ना थोड़ा फिश को। एंड इसके बारे में बताना जब ये नीचे आएगी तो। अच्छा दो है, अब बताइए इसके बारे में। ये अरवाना फिश है, ये समुद्र पाई जाती है, ये समुद्र के हमेशा सी लेवल के ऊपर रहती है। ये अपना शिकार पक्षी खाती है, ये मांस मछली खाने वाली मछली है, ये अपने डंक से इसको शिकार करती है। ये जो आगे कूद सकती है समुद्र के लेवल से 10 फीट तक ऊपर कूद सकती है। ओह माय गॉड, चाइना में इसे ज्यादा पाया जाता है, चाइना और साउथ एशिया। कलरफुल फिश है, हर कलर की है। इसके लिए दाना होना, दाना मिलेगा, दवाई मिलेगा, फिल्टर मिलेगा। बड़ा ज्यादा हार्ड बताओ जरा दाम को भैया, आपको सामान भी देखिए पहले कैसा है। ये तो नॉर्मल है नहीं ना, ये मौली है, ये सबसे अच्छी मछली होती है, ये कहीं भी रह जाती है, बिना फिल्टर के भी डालीकर रह जाएगी, उसी पानी में डालीकर रह जाएगी। अच्छा, और ये जेबरा फिश है आपकी, ये जेबरा, इस सबका साइज इतना बड़ा बड़ा होता है, इसे भी छोटी छोटी है। वो सो रही है या वो गई? हाँ वो मर गई शायद, उसको निकालना पड़ेगा। दस रुपये, दस रुपये, दस रुपये, यहाँ